अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताऊंगा, तो इन नुस्खे के इस्तेमाल से आपके मैदे में जो गैस है, जलन है, बदहज़मी है, तेजाबियत है, और आपका खुराक जो सही तरीके से हज़म नहीं होता या मैदे में दर्द है, तो इन नुस्खे के इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, इनकी प्राइस क्या है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेडिसन जो है वो आपने फैमी टेबलेट लेना है। तो इनकी प्राइस की बात कर ले तो ये आपको मार्केट में तकरीबन 20 से लेकर 50 रुपए के दरमियान बहुत आसानी से मिल जाएगा, और इनका फार्मूला है फेमोटाडीन 40 mg। अगर आपको ये नहीं मिलता तो इनके अलावा आप फेमोट, फेमगार्ड और दूसरा जो फेमाटोडीन है वो ले सकते हैं। तो ये आपको फेमी के नाम से बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, जो कि बटाला कंपनी इसको बनाती है फेमी के नाम से। फेमाटोडीन आपने 40 mg के 20 या 10 टेबलेट लेने हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है डाइजेक्सम पी सिरप। तो इनकी प्राइस की बात कर ले तो ये आपको मार्केट में तकरीबन 100 से लेकर 110 रुपये के दरमियान बहुत आसानी से मिल जाएगा, जो कि एबट कंपनी बनाती है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो इनका मुतबादल आप ले सकते हैं, यानी जिस सिरप में सिमेथिकोन शामिल है वो सिरप आप ले सकते हैं। तो आपने एक सिरप लेना है और इनके साथ आपने फेमेटोडीन टेबलेट लेने हैं 40 mg के 10। अब बात कर लेते हैं इनकी इस्तेमाल की कि इनका इस्तेमाल हमने किस तरह करना है। तो इनका इस्तेमाल ये है कि टेबलेट जो है आपने फेमेटोडीन 40 mg एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को खाने से पहले इस्तेमाल करना है, और डाइजेक्सम पी सिरप यानी सिमेथिकोन सिरप जो है 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को खाने के बाद इस्तेमाल करना है, और यह आपने तकरीबन 15 से लेकर 20 दिन रोज़ाना इस्तेमाल करना है। तो इनके इस्तेमाल से आपके मैदे में जो तेजाबियत है, जलन है, गैस है, बदहज़मी है, इन्हें आपका खुराक जो है सही तरीके से हज़म नहीं होता, या आपको भूख नहीं लगती, या आपके मैदे में जो है हर वक्त दर्द होता है, या आपको वोमिटिंग होती है, तो ये सारे मसले जो है आपके इन नुस्खे के इस्तेमाल से हल हो जाएंगे। तो आप मार्केट से जो है बहुत आसानी से 150 या 140 रुपए के दरमियान आप ये दो मेडिसिन ले सकते हैं। तो इनके इस्तेमाल से आपके मैदे में जितने भी मसले हैं वो बिल्कुल हल हो जाएंगे।